अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, अक्सर आप लोगों ने ये दो लफ्ज़ सुने होंगे, एक ओपन मार्केट रेट और एक इंटर बैंक रेट। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इन दो टर्मिनोलॉजीज में बेसिकली क्या फ़र्क है और ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बेसिकली क्या चीज़ होती हैं। व्यूअर्स, हम जब भी बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, यानी जो फॉरेन करेंसीज हैं उनके जो रेट्स एज़ कम्पेयर टू पाक रुपीज़ जो हमारी करेंसी से है, तो उसमें ये दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक ओपन मार्केट रेट और एक इंटर बैंक रेट। तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि जो ओपन मार्केट रेट होती है, ओपन मार्केट रेट से मुराद ये होता है कि जो डिफरेंट एक्सचेंज कंपनीज हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा लिस्टेड हैं और मार्केट में अपनी उनकी एग्जिस्टेंस है, जहाँ पर आप जाके फॉरेन करेंसी बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वहाँ जो रेट आपको कोट किया जाता है उनकी तरफ से, वो ओपन मार्केट रेट कहलाता है। लेट्स से कि आप अगर गए मार्केट में और एबीसी एक्सचेंज कंपनी है, वहाँ जाके आपने $100 जो है वो बाय किए या $100 सेल किए या कोई भी फॉरेन करेंसी जो है वो आपने बाय या सेल की, तो वहाँ पे जो रेट्स आपको कोट किए जाएंगे या जिस रेट पे आप वहाँ बाय और सेल करेंगे वो कहलाते हैं ओपन मार्केट रेट। वो रेट्स भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल्ड होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसे मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और उसमें लिमिट लगाता है कि इस रेट से कम नहीं हो सकते और इस रेट से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसको बकायदा मॉनिटर किया जा रहा होता है। और उसमें इस तरह से होता है कि अब कुछ अरसे से, जब से ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी उसने सख्तियाँ की थी, काफ़ी उसमें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसने, और उसमें ये क्या किया था कि 500 यूएस डॉलर्स या उससे इक्विलेंट जो भी अमाउंट है, तो उससे अगर कम अमाउंट आपने बाय की है या सेल की है तो वो इसी तरह से हो जाया करती थी। लेकिन अगर 500 यूएस डॉलर्स या इसके इक्विलेंट कोई दूसरी करेंसी या उससे ज़्यादा की अमाउंट आपने बाय या सेल की है, तो आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक देना पड़ता है अब एक्सचेंज कंपनी में जाके। और अगर 1000 यूएस डॉलर्स या इक्विलेंट कोई करेंसी और उससे ज़्यादा कि आप बाइंग सेलिंग करते हैं ओपन मार्केट में, तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराने पड़ते हैं, प्रूफ जो है वो देना पड़ता है कि किस चीज़ के अगेंस्ट आपके पास ये पैसे हैं और आप डॉलर्स जो है बाय कर रहे हैं या डॉलर्स आप सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक दिन के अंदर जो आजकल लिमिट चल रही है वो चल रही है 10,000 यूएस डॉलर्स और इक्विलेंट अदर करेंसीज़ के आप एक दिन में बाय कर सकते हैं, और ऐसे ज़्यादा अगर आपने करने हैं तो फिर आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, एज़ फार एज़ इंटर बैंक रेट्स आर कंसर्न, तो इंटर बैंक रेट्स से मुराद ये होता है कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उनके जो रेट्स होते हैं, जिस रेट से वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपस में बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, वो रेट्स जो होते हैं वो इंटर बैंक रेट्स कहलाते हैं। और ये इंटर बैंक रेट्स वो भी होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको, उनसे बाय या उनको सेल कर रहे होते हैं। यदि फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के कस्टमर की जो है वो रेमिटेंस आई है पाकिस्तान से बाहर से ना, तो डॉलर्स में आई है, तो बैंक क्या करता है कि उससे, उस कस्टमर से वो डॉलर्स की जो रेमिटेंस आई होती है वो परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है और उसके अगेंस्ट उसको पाक रुपीस दे देता है, तो वो उसके पाक रुपीस अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगता है बाइंग रेट लगता है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने रेमिटेंस पाकिस्तान से बाहर भेजनी है डॉलर्स में, तो उससे वो जो पाक रुपीज़ हैं उसके अकाउंट में कस्टमर के, वो परचेज कर लेता है बाय करके, फिर उसको डॉलर सेल करता है बैंक, तो वहाँ सेलिंग रेट लगाता है। ये दो लफ्ज़ भी आप जहन में रखें, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। ओपन मार्केट में भी इस तरह होता है कि एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। जिस रेट पर बाय कर रहा होता है मनी चेंजर ओपन मार्केट वाला, वो उसका बाइंग रेट होता है, और जिस रेट पे वो करेंसी सेल कर रहा होता है वो सेलिंग रेट होता है। बैंक्स में भी इसी तरह से होता है इंटर बैंक रेट पे, कि बैंक जो जिस रेट पे फॉरेन करेंसी बाय करके कस्टमर को पाक रुपीस दे रहा होता है तो वो बाइंग रेट होता है, और जिस रेट से पाक रुपीस को लेकर फॉरेन करेंसी सेल कर रहा होता है अपने कस्टमर को, वो सेलिंग रेट होता है। और सिमिलरली इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की जो पेमेंट होती है वो भी इस तरह से होती है कि जो इम्पोर्टर होता है उसको पेमेंट अपनी बाहर जो है वो भेजनी होती है, तो उससे पाक रुपीस को जो है बाय करके उसको डॉलर दे देता है, तो वो सेलिंग रेट से उसको मिलते हैं।
और अगर कोई एक्सपोर्टर है जिसकी के पेमेंट जो है जो एक्सपोर्ट कर रहा है और उसकी पेमेंट बाहर से आई है, तो उससे जो है वो डॉलर्स को क्या कहते हैं बाय करके और जो है वो उसको पाक रुपीज़ दे देता है उसके अकाउंट को, तो वहाँ बाइंग रेट लग जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अदील मखदूम कासमी को, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप हर लम्हे जो है वो अपडेट रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।